इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के मॉडर्न वर्ल्ड में तेजी से ग्रो होने वाला इनोवेशन है और ये पॉसिबल हो पाया है मॉडर्न बैटरी टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरीज की वजह से। बट इन बैटरीज की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी, चार्ज साइकिल्स और एनर्जी फेट जैसी चीजें। पर अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी बैटरी है जो कि ज्यादा एनर्जी डेंस, एफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग है, तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड स्टेट बैटरीज के बारे में। कैसे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रिड एनर्जी स्टोरेज के फ्यूचर को तय करेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रिफाई। सॉलिड स्टेट बैटरीज कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कई सारी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। बट एक कंपनी जिसका नाम है क्वांटमस्केप, ये कंपनी 10 साल से सॉलिड स्टेट बैटरीज पर काम कर रही है। और रिसेंटली कंपनी ने पब्लिक का ध्यान खींचा जब कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक आ गई। इसका रीजन है कंपनी की नई सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि लिथियम आयन बैटरीज कैसे काम करती है। जिन लोगों को नहीं पता है, उनके लिए ये एक शॉर्ट रिविजन है। टिपिकल लिथियम आयन बैटरी को देखें तो कैथोड, जो कि लिथियम मेटल ऑक्साइड का बना हुआ है, सेपरेटर, एनोड, जो कि कार्बन का बना हुआ है, दोनों एंड्स पर करंट कलेक्टर्स और फाइनली लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट की मदद से कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं और लिथियम आयन्स इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर से होते हुए एनोड की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे बैटरी चार्ज होती है और यही सेम प्रोसेस रिवर्स में होती है जब बैटरी को डिस्चार्ज किया जाता है, क्योंकि बैटरी में मोबाइल लिथियम आयन्स एनर्जी के मेन कैरियर्स हैं, जिसके कारण एनर्जी डेंसिटी बेसिकली डिपेंड करती है कि ये लिथियम आयन्स पर यूनिट वेट कितने हैं। और फास्ट चार्जिंग डिपेंड करती है कि कितनी तेजी से ये लिथियम आयन्स कार्बन एनोड में डिफ्यूज हो सकते हैं। इस समय लिथियम आयन बैटरीज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स अचीव की जा रही है सिलिकॉन को ऐड करके, क्योंकि सिलिकॉन 10 गुना ज्यादा लिथियम आयन्स के साथ बाइंड हो सकता है बजाय कार्बन के। सिलिकॉन की क्वांटिटी को बढ़ाकर बिना बैटरी लाइफ को अफेक्ट करते हुए ये करंट ग्रोथ स्ट्रेटेजी है इन लिथियम आयन बैटरीज की। पर क्वांटमस्केप एक दूसरी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है। कैथोड, जो कि किसी भी लिथियम आयन बैटरी की तरह बिल्कुल सेम है, बना है लिथियम मेटल ऑक्साइड से। बट अगर बैटरी में एनोड की बात करें तो ये है ही नहीं, जिसके कारण बैटरी की एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चार्जिंग के वक्त ये लिथियम आयन्स डायरेक्टली करंट कलेक्टर पर डिपॉजिट होते हैं और चार्जिंग के वक्त ये वापस चले जाते हैं लिथियम मेटल ऑक्साइड लैटिस में। क्योंकि इस बैटरी में कोई कार्बन एनोड नहीं है, जिसके कारण इस बैटरी की एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इनोवेशन ये है कि बजाय इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर के, उन्होंने एक फ्लेक्सिबल सॉलिड स्टेट सिरेमिक सेपरेटर का यूज किया है, जो कि दोनों काम कर सकता है, एनोड और कैथोड को सेपरेट करना और लिथियम आयन्स को पास होने के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करना। सॉलिड स्टेट बैटरीज के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिनमें की सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। ये बैटरी काफी हद तक फायर रेजिस्टेंट है। अब मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे कि लिथियम आयन बैटरीज सेफ है, ये कुछ हद तक सही भी है, बट आपको ज्यादा दूर नहीं देखना पड़ेगा कि कितने सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्स को रिकॉल किया गया सिर्फ और सिर्फ बैटरी इश्यूज की वजह से। एक प्रॉब्लम जिसके कारण सॉलिड स्टेट बैटरीज अभी भी डेवलपिंग फेज में है, वो है उसका सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, स्पेशली हाईर टेम्परेचर्स पे, सो इनका पावर कैरेक्टरिस्टिक्स इतना यूजफुल नहीं है। अगर हम करंट एनर्जी डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी चीजों पर इसका अफेक्ट होता है, जैसे कि बैटरी की चार्ज साइकिल्स। कंपनी क्वांटमस्केप क्लेम करती है कि उन्होंने ये प्रॉब्लम अपनी सॉलिड स्टेट सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट की मदद से सॉल्व कर दी है। अब मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि बैटरी लैंग्वेज में सी क्या होता है, जिसके कारण आपको आगे की चीजें और अच्छे से समझ में आए। 1C बैटरी लैंग्वेज में रेफर करता है 0 to 100% चार्जिंग इन 1 आवर। अगर आपका फोन 0 to 100 दो घंटे में चार्ज होता है तो ये है 0.5C। अगर ये आधे घंटे में चार्ज होता है तो ये है 2C। बेसिकली ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही आप बैटरी को फास्ट चार्ज कर पाएंगे। क्वांटमस्केप की बैटरीज आराम से 4C तक जा सकती हैं, यानी कि फुल चार्ज इन 15 मिनट्स। और उन्होंने 25C पर भी टेस्टिंग की है, यानी कि फुल चार्ज इन 2 मिनट्स। उन्होंने इस बैटरी को रेस ट्रैक पर भी टेस्ट किया, जहां पर 15 मिनट फुल चार्ज के काफी अच्छे रिजल्ट्स थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीट, वाइब्रेशन और दूसरी चीजों को लैब में सिमुलेट करना काफी मुश्किल होता है। जब यह बैटरी मार्केट में आ जाएगी तब यह 15 मिनट फुल चार्ज की जगह 25 मिनट फुल चार्ज भी प्रोवाइड करें तो भी एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होगी।
अब आपके मन में सवाल होगा कि हम इन लिथियम आयन बैटरीज को क्यों फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। इसका डायरेक्ट आंसर है डेंड्राइट फॉर्मेशन। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होते आती है वैसे वैसे ही लिथियम आयन्स को कार्बन एनोड के साथ बाइंड होने के लिए फ्री स्पेसेस कम होते जाती हैं, और अगर इन आयन्स को फोर्स किया जाए तो डेंड्राइट्स फॉर्म होते हैं जो कि इवेंचुअली सेपरेटर को पार करके कैथोड तक पहुंच सकते हैं। क्वांटम स्केप की बैटरी में क्योंकि लिथियम को डायरेक्टली करंट कलेक्टर्स पर प्लेट किया गया है जो कि एक स्मूथ लेयर फॉर्म करता है जिसके कारण डेंड्राइट्स नहीं बनते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसी बैटरी जो कि बहुत ही फास्ट चार्ज हो सकती है जिसमें कि लिथियम आयन्स को कार्बन के साथ बाइंड नहीं करना पड़ेगा, सिंपली ये करंट कलेक्टर पे इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगी। ये बिल्कुल सेफ है और इसके कारण आपको एनर्जी डेंसिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। अगली चीज है बैटरी का कैपेसिटी फेड, यानी कि अगर आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी कितने टाइम तक उस चार्ज को होल्ड कर सकती है। और लास्टली, क्योंकि इस बैटरी में एनोड ही नहीं है जिसके कारण बैटरी में यूज होने वाला रॉ मटेरियल काफी कम लगेगा, और लॉन्ग टर्म में देखें तो बैटरी की प्राइसेस लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन में भी कम हो सकती हैं। करंटली बैटरी ने 800 चार्ज साइकिल्स अचीव की है जिसके बाद भी 80% कैपेसिटी बची हुई है, बट यहाँ पे कंपनी को कुछ दूसरी केमिस्ट्रीज जैसे कि निकल मैंगनीज कोबाल्ट लिथियम आयन फॉस्फेट जैसी केमिस्ट्रीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिसके कारण बैटरीज की प्राइसेस और कम हो जाए और चार्ज साइकिल्स और ज्यादा देखने को मिले। अब जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि इन सॉलिड स्टेट बैटरीज को टिपिकल लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद। अगर ऐसा होता है तो ये कई सारे कॉस्ट्स को कम कर सकता है जब हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले कि आप अपने पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको बता दूं कि कंपनी मिड 2024 तक कोई भी मास मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, और टेस्ला के 4680 सेल्स जो कि आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, जिसके कारण काफी सारे लोग कह रहे हैं कि तब तक इस बैटरी के एडवांटेजेस इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। ये तो पक्का है कि बैटरी में रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी, पर यहाँ पे कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो इस सॉलिड स्टेट सिरेमिक सेपरेटर को कैसे मैन्युफैक्चर करेगी। ये शायद इजी हो सकता है या फिर इसे लैब में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये तो पक्का है कि कंपनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूचर के ट्रांजिशन को और ज्यादा कन्वीनियंट बना देगी। रिसेंटली एक मीटिंग में कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि ये बैटरी आपको सबसे पहले प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्स में देखने को मिलेगी। इन सॉलिड स्टेट बैटरीज को लेकर कुछ दूसरी कंपनीज ने भी अनाउंसमेंट्स की हैं। टोयोटा जो कि अपनी सबसे पहली सॉलिड स्टेट बैटरी पावर्ड कार को शोकेस करने वाली है 2021 समर ओलंपिक्स में, जिसके कारण हमें अंदाजा आ जाएगा कि टेक्नोलॉजी किस स्टेज पर है। हम शायद एक बहुत बड़े ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वांटम स्केप ने इस फ्यूचर को थोड़ा और पास लाया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस नई बैटरी टेक्नोलॉजी सॉलिड स्टेट बैटरीज पर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मिलते रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल, जय हिंद, वंदे मातरम।